वेलकम स्टूडेंट्स, दीक्षांत एजुटेक में आपका स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा चार के लिए, वर्ग चार के लिए हिंदी विषय में पाठ वीर अभिमन्यु पाठ लेकर आए हैं। वीर अभिमन्यु कौन थे? ये वीर अभिमन्यु, वीर शब्द का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जो अपने देश के, अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु कुछ विशेष कार्य करते हैं, उन्हें वीर कहा जाता है। वीर महाभारत के युग में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिनकी माता का नाम था सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा, अभिमन्यु के माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम अर्जुन था। इन दोनों के ये पुत्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की किशोरावस्था में युद्ध भूमि में, जबकि 18 वर्ष से नीचे किसी युद्ध भूमि में जाने के लिए इजाजत नहीं मिलना चाहिए, फिर भी 16 वर्ष की आयु में इन्होंने वीरतापूर्ण ढंग से युद्ध किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः इन्हें वीर की उपाधि दी गई। वीर थे ही अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में हम जानते हैं कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना में उनको आता था चक्रव्यूह को भेदना, मगर चक्रव्यूह से वापस आना नहीं आता था। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। कौरव असत्य तथा पांडव सत्य के बोध कराने वाले थे। पांडव जो सत्यता पर आधारित थे, उनके पक्ष में श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, कहा जाता है कि वह विष्णु के 8वें अवतार हैं, वह थे। और एक तरफ कौरवों के तरफ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन जैसे कई योद्धा थे। यूं समझिए कि एक वर्ल्ड वार ही था महाभारत का युद्ध, एक विश्व युद्ध था। उसमें पृथ्वी पर स्थित जितने भी राजा महाराजा थे, सभी किसी न किसी पक्ष में आकर के युद्ध कर रहे थे। और इस युद्ध में हर तरह की भूमिका निभाया गया था। इसमें अभिमन्यु के जो वीरतापूर्ण, जो अपने युद्ध में अपनी भूमिका जो थी, उसके वजह से यह अभिमन्यु को वीर कहा गया। आइए अभिमन्यु के बारे में हम जानते हैं कि उस महाभारत के युद्ध भूमि पर जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं अभी, उन स्थितियों में अभिमन्यु की क्या भूमिका हो रही है, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। या यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, लर्निंग मटेरियल्स हमारे क्या क्या हैं, अधिगम संप्राप्ति। भारत के प्राचीन साहित्य है कौन? महाभारत। भारत के प्राचीन साहित्य महाभारत की एक प्रमुख घटना से परिचित होना, यह प्रमुख घटना ही तो है। युद्ध हो रहा है महाभारत का और उसमें कई तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बदल रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, आपस में बदल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, कभी इनका युद्ध उनके साथ, कभी उनका युद्ध उनके साथ, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थितियों में एक प्रमुख बात को, घटना को जानना, घटना से परिचित होना। दूसरी बात, वीर बालक अभिमन्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये वीर बालक अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रा तथा पिता का नाम अर्जुन था। अर्जुन जो श्रेष्ठ धनुधर नहीं, सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। उनके जैसा धरा पर धनुधर
यानी धरुण को, धनुष को धारण करने वाला कोई अन्य नहीं हुआ। वह उस जमाने के जब महाभारत की रचना की गई थी, जब महाभारत हुआ था, तब इस धरती पर अर्जुन जैसा कोई धनुधर नहीं था, उनका पुत्र अभिमन्यु था। वीरता, साहस व उत्साह आदि का भाव जागृत करना, वीरता साहस और उत्साह, व का अर्थ होता है और, छात्रों व मतलब और उत्साह आदि का भाव जागृत करना। संवादों को उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने का प्रयास करना। संवाद, संवाद किसे कहते हैं? तो संवाद जो बात और विवाद में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें संवाद कहते हैं। वाद और विवाद अर्थात जब दो व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तो ये जो बातें हैं इन बातों को संवाद कहते हैं, संवाद कहा जाता है। संवाद को उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने का प्रयास करना। उचित उतार चढ़ाव यानी कि किस संवाद को हमें किस तरह से बोलना है। कभी आश्चर्य व्यक्त करना है, अरे ये क्या हुआ, तो यहां पर क्या होगा, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, और ये क्या हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। बोलने का प्रयास करना, कोशिश करनी है, और यह एक नाटक है जो खेलने वाला नाटक है, एकांकी। इस एकांकी का, एकांकी के मूल भाव को समझना और इस नाटक के मूल भाव को समझना है कि आखिर नाटक कैसे किया जाता है, किस तरह से। छात्रों आप भी अपने विद्यालय में किसी न किसी नाटक में भाग लेते होंगे, भूमिका निभाते होंगे, तो नाटक कैसे किया जाता है उसको समझना है इस पाठ के द्वारा। आइए शुरू करते हैं पाठ। दृश्य है महाभारत का युद्ध हो रहा है और युद्ध भूमि में सभी योद्धा अपने अपने कौशल से, अपने अपने जो जानते हैं, कोई गदा चलाना जानता है, कोई भाला फेंकना जानता है, कोई तीर धनुष से मारा मारी करना जानता है, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में जानते हैं, वह ये करते हैं, युद्ध कर रहे हैं अपने तरफ से। तो युद्ध जो कर रहे हैं, वह करने के बाद कर रहे हैं, जिस तरह से वह युद्ध हो रहा है, यहाँ जो पांडवों के राजा धर्मराज, युधिष्ठिर, पांडव मतलब पांच भाई, कौन कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांच भाई हैं, जिसमें फिलहाल अभी एक भाई युद्ध भूमि में है, अर्जुन, बाकी के चार भाई अपने शिविर में हैं, क्योंकि उनकी सेना लड़ रही है, वे अभी अपने शिविर में हैं और कैसे युद्ध करना है इसको तय कर रहे हैं। वहां पर गुप्तचर आता है और गुप्तचर कुछ बातें बताता है अपने महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर कुछ सोच रहे हैं, उनके पास ही भीम खड़े हैं, इसी बीच नकुल आते हैं और इसी बीच वो गुप्तचर आके नकुल को बता के जाते हैं। नकुल अंदर आते हैं, नकुल जो सबसे छोटे भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो नकुल सहदेव से जो बड़े हैं वह आते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांडु के पुत्र थे, इसलिए इन्हें पांडव कहा गया। कुंती और माद्री यह दो पत्नियां थी पांडु की, जिनमें कुंती की के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे।
नकुल आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, भैया भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। कैसे कहते हैं? भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। युधिष्ठिर कहते हैं, वह क्या नकुल? आश्चर्य व्यक्त करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह, वह क्या नकुल? नकुल कहते हैं, कौरवों ने दक्षिण में युद्ध आरंभ कर दिया है। किधर? दक्षिण में, अर्थात चारों दिशाओं में युद्ध हो रहा था, क्योंकि सभी देश इसमें इंगेज थे। जितने भी देश के राजा महाराजा थे, सभी देश के राजा महाराजा इस युद्ध में शामिल थे। आज जो युद्ध हो रहा था वह किस दिशा में हो रहा था? दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में युद्ध हो रहा है तो नकुल कहते हैं युधिष्ठिर से, पहले तो नकुल कहते हैं कि भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। युधिष्ठिर कहते हैं, वह क्या नकुल? नकुल कहते हैं, कौरवों ने दक्षिण दिशा में युद्ध आरंभ कर दिया है, श्री कृष्ण और अर्जुन उधर चले गए हैं। कौरवों ने, कौरव कौन? जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे उनके, और हस्तिनापुर राज्य था, हस्तिनापुर राज्य के राजा धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। उनके दल को कौरव कहा गया और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के दल को, के टीम को पांडव कहा गया। यह कौरव दक्षिण में युद्ध शुरू आरंभ कर चुके हैं और दक्षिण में युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में चले गए हैं युद्ध करते करते। सहदेव बोलते हैं युधिष्ठिर से, भैया गुप्तचरों से समाचार मिला है कि गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा है। सहदेव क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर से, भैया आचार्य द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। यह खबर कहां से मिली है? गुप्तचरों से। गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि आचार्य द्रोणाचार्य आपको पकड़ने की प्रक्रिया की है और उसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह को भेदने वाला मात्र उस समय तीन ही व्यक्ति जानता था, एक कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा स्वयं द्रोणाचार्य, जिसमें से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना ही की थी। कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में निकल चुके थे। अब स्थितियां बदल रही थी और इन स्थितियों को बदलने में, चक्रव्यूह की रचना में आज उनका सुनियोजित तरीके से युधिष्ठिर को गिरफ्तार करना था, युधिष्ठिर को पकड़ना था। युधिष्ठिर को पकड़ लेते, राजा पकड़ा जाते तो खेल खत्म था, महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता और कौरवों की जीत हो जाती। ठीक है, भीम ने कहा, भीम भी वहीं पर थे। भीम कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, देख लूंगा। भीम गदाधारी थे। भीम कहे कि चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, देख लूंगा। युधिष्ठिर बोलते हैं, अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में फंसाकर इधर चक्रव्यूह की रचना की है, इसमें कौरवों का अवश्य कोई चाल है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं इसमें कौरवों का चाल है, क्योंकि तीन ही आदमी जानते हैं चक्रव्यूह को भेदना, चक्रव्यूह की रचना करना, चक्रव्यूह को तोड़ना। कृष्ण, अर्जुन और स्वयं द्रोणाचार्य, कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध जब शुरू हुआ है तो चले गए हैं। अब यहाँ बच गया है द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य खुद ही चक्रव्यूह की रचना किए हैं। यह तो चाल ही है, ये समझ गए, ये चाल चल दिए हैं लोग। अब क्या होता है? अवश्य कोई चाल है,
भीम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ डालूंगा। भीम अपनी गदा घुमाते हुए, कोई बात नहीं भैया, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ डालूंगा, गदा घुमाते हुए कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भीम तुम वीर अवश्य हो किंतु चक्रव्यूह नहीं भेद सकते। तुम वीर हो परंतु चक्रव्यूह नहीं भेद सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं आता चक्रव्यूह भेदना, इसलिए मना कर रहे हैं युधिष्ठिर। पहले क्या होता है, नकुल आते हैं शिविर में और कहते हैं युधिष्ठिर से कि भैया आज युद्ध का हाल क्या है, बहुत बुरा है। क्यों बुरा है भाई, उनके पूछने पर, युधिष्ठिर के पूछने पर कहते हैं कि आज दक्षिण दिशा में कौरवों ने युद्ध छेड़ दिया है और दक्षिण दिशा में कौरवों द्वारा युद्ध करने के वजह से कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जो अर्जुन के रथ के सारथी थे और अर्जुन उन्हीं के रथ पर सवार होकर के अपना युद्ध लड़ रहे थे, वो दोनों ही दक्षिण दिशा में कुछ कर गए थे, चले गए थे। और इधर गुप्तचरों से सूचना मिली सहदेव को कि आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली है, किसे पकड़ने की, तो युधिष्ठिर को पकड़ने की, क्योंकि वह जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों नहीं हैं, तो युधिष्ठिर ही बाहर आएंगे, चक्रव्यूह की रचना में फंस जाएंगे और जब मैं उन्हें पकड़ लूँगा तो हम इस युद्ध को जीत जाएंगे। परंतु युधिष्ठिर के शिविर में इस बात की चर्चा शुरू है कि भाई अब हम में से तो कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता। तब तक भीम कहते हैं कि कोई बात नहीं भैया, अपनी गदा घुमाते हुए कि मैं तोड़ डालूंगा चक्रव्यूह को। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, तुम वीर हो अवश्य हो परंतु तुम चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते, तुम चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते। तब युधिष्ठिर, भीम ने कहा क्यों, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं तोड़ सकते भाई हम। आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना केवल कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं। पर वे दोनों आज यहां नहीं है। वो कहां है अर्जुन और कृष्ण, तो दक्षिण दिशा में कौरवों ने युद्ध जो आरंभ किया है वो उधर चले गए। अब उसी समय शिविर में किसका प्रवेश होता है, अर्जुन का। शिविर में अर्जुन का प्रवेश होता है और अर्जुन आते हैं शिविर में, तो अभिमन्यु का प्रवेश होता है शिविर में और अभिमन्यु कहता है युधिष्ठिर से, किंतु तात, तात का अर्थ होता है चाचा, बड़े पापा, कहते हैं कि किंतु तात, यह अभिमन्यु तो है, किंतु तात, यह अभिमन्यु तो है, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु आता है और युधिष्ठिर से कहता है किंतु तात, मैं तो हूं, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए छात्रों, यह नाटक आप लोग भी खेल सकते हैं, यह एकांकी आप लोग भी खेल सकते हैं, अपने घर में खेल सकते हैं, अपने क्लास में खेल सकते हैं। कई छात्र हैं, सब लोग एक एक भूमिका निभाएंगे, एक एक अपने अपने संवादों को पढ़ेंगे और अपने अपने संवादों को बोलने का तरीका सीखेंगे और सीख करके हम खेल सकते हैं अपने कक्षा में,
हम खेल सकते हैं अपने घर में भाई बहनों के साथ, अपने अपने दोस्त मित्रों के साथ। खेलने से हमें पहली बात तो संवाद याद होंगे, दूसरे में इन लोगों के नाम याद होंगे, महाभारत के पात्रों का, महाभारत में जो हीरो हैं उनका नाम याद होगा, और उसमें कौन कौन सी बातें हुई थी वो हमें जानकारी मिलेगी। इसलिए आप खेलते तो हैं ही, इसलिए इस तरह का खेल खेलें जिससे हमें कुछ लाभ हो, फायदा हो, कुछ समझ में आए, कुछ सीख लें, है ना। तो अभिमन्यु प्रतिज्ञा करते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रणाम करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तात मतलब चाचा, बड़े पापा को तात कहते हैं, अर्थात अपने पिता के भाई को तात कहा जाता है, तात कहा जाता था पहले, अब तात कहना तो छोड़ दिए हैं, अब तो कहते हैं चाचा, अंकल, है ना। अब पापा, पापा को भी डैडी कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं मंगल हो पुत्र, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मंगल हो पुत्र, माने तुम बहुत अच्छे रहो, हमेशा तुम्हारा मंगल होते रहे, अमंगल कभी ना हो। मंगल हो पुत्र, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करे। रक्षा, रक्षा का अर्थ होता है उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, अर्थात बड़े पापा हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं अर्जुन, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु को उनके बड़े पापा कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे साथ कोई आपत्ति विपत्ति न आए, तुम्हारा सदैव मंगल हो, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। अभिमन्यु कहता है मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा, वीरता के साथ अभिमन्यु बोलता है कि तातश्री 16 वर्ष की आयु है अभिमन्यु की, परंतु वीरता अच्छे अच्छों को हरा देने वाली, ऐसा योद्धा भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं किंतु कुमार, चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या, किंतु कुमार, चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या। उसके बाद इसका अर्थ होता है, ये जो लाइनिंग है इसका अर्थ है कि इसके बाद कोई शब्द उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने आता है या नहीं। उन्होंने अभिमन्यु से पहले अभी अभी भीम को मना किया है, क्योंकि वह जानते हैं कि भीम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं, शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, और युद्ध भूमि में युद्ध करने में कौशल भी हैं, परंतु चक्रव्यूह एक रचना है जो उस रचना को तोड़ नहीं सकते थे, तो उनको मना किए हैं। अब अभिमन्यु जो उनका बेटा है, छोटा है, उस वो कह रहा है कि मैं तोड़ूंगा चक्रव्यूह, उसको कैसे कह दें। इसलिए उनके शब्दों में शब्द कम पड़ जाते हैं, किंतु कुमार, चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या, कठिन विद्या अर्थात मुश्किल काम, मुश्किल यह शिक्षा आसान नहीं है, मुश्किल है। अभिमन्यु कहता है मैं जानता हूँ तात, मैं जानता हूँ तात, जब मैं माँ के गर्भ में था, जब मैं माँ के गर्भ में था, माने माँ के पेट में जब मैं था जन्म लेने से पहले, तभी यह विद्या मैंने कहाँ से सीखी थी, अपने मामा श्री कृष्ण से सुनी थी। सोचो उस समय महाभारत के युग में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, वो पेट में था अपनी मम्मी के, अभी जन्म नहीं हुआ था, तब अपने मामा श्री कृष्ण, उसकी जो मम्मी थी, माँ थी अभिमन्यु की, सुभद्रा, वह कृष्ण की बहन थी, तो मामा के से श्री कृष्ण से सुनी थी, उसी समय वह चक्रव्यूह को भेदने क्या की बातें किससे सुनी थी, श्री कृष्ण से सुनी थी। श्री कृष्ण अभिमन्यु के कौन थे, मामा थे। चक्रव्यूह में कैसे घुसना होगा, कैसे घुसना होगा, और
छह द्वारों को कैसे तोड़ना होगा। चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं? छह द्वार होते हैं। तो चक्रव्यूह में कैसे घुसना होगा और कैसे छह द्वारों को तोड़ना होगा यह मैं भली भांति जानता हूं। सोचो छात्रों, यहां दो दिन की बात याद नहीं रहती, एक फिल्म देखते हो उसकी बातें पूरी याद नहीं रहती। वह गर्भ में था अभिमन्यु अपने माँ के, और तब अपने मामा से सुना था आज 16 वर्ष की आयु में है, लेकिन उसे याद है कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। कितना संज्ञान लिए हुए, कितना ज्ञानी, कितना विद्वान। चक्रव्यूह में कैसे घुसना और छह द्वारों को कैसे तोड़ना होगा यह मैं भली भांति जानता हूं, किंतु यह तो तुम जानते हो। युधिष्ठिर भीम कहते हैं, किंतु यह तो तुम जानते हो, किंतु यह तो तुम जानते हो, किंतु उससे बाहर कैसे आना होता है क्या यह भी जानते हो। भीम ने काम की बात सुन पूछी कि यह तो तुम जानते हो, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो तुम जानते हो, लेकिन चक्रव्यूह को भेद देने के बाद उसको तोड़ना, चक्रव्यूह आखिर होता क्या है? तो चक्रव्यूह होता है छात्रों, कई सैनिक होते हैं और सैनिकों से वो दरवाजे बनाए जाते हैं, जो दरवाजे खुलते तो हैं लेकिन प्रवेश करने का जो तरीका जानता है वह उसी सैनिक पर वार करता है जिस जो सैनिक मुख्य द्वार बना रहता है, और उस पर वार करके वो तोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। करते ही प्रवेश करते ही दरवाजा बंद हो जाता है, और दरवाजा बंद होने के बाद उलझ जाता है योद्धा, और उलझने के बाद अगर उसे नहीं आता है दूसरे दरवाजे को भी तोड़ना, तीसरे को तोड़ना, चौथे को तोड़ना, पांचवें को तोड़ना, छठे को तोड़ना, छह दरवाजे को तोड़ने के बाद वह चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, और तब वहां के योद्धाओं से लड़ करके वह चक्रव्यूह से वापस आना अगर जानता है तो आ पाता है, नहीं तो उसे मरना पड़ता है। इसीलिए भीम उससे पूछते हैं कि तुम चक्रव्यूह में तो प्रवेश करना जानते हो, जैसा कि तुम बता रहे हो कि माँ के गर्भ में जब थे तो अपने मामा कृष्ण से तुमने सुना था, लेकिन क्या तुम उससे निकलना भी जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो तुम फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर हम तो तुम्हें खो देंगे ना बेटा, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देना चाहते हैं। छात्रों, युधिष्ठिर के शिविर में कौन आते हैं? सबसे पहले नकुल आते हैं। नकुल क्या खबर देते हैं युधिष्ठिर को? तो ये कहते हैं कि आज युद्ध का हाल बुरा है। युधिष्ठिर के पूछने पर कि क्या बात है, क्या बुरा है, तब नकुल कहते हैं कि दक्षिण की ओर कौरवों ने युद्ध छेड़ दिया है और कृष्ण तथा अर्जुन दक्षिण की तरफ चले गए हैं। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और अर्जुन जिस रथ पर सवार हैं उसको कृष्ण ही चला रहे हैं, इसलिए कृष्ण और अर्जुन ये दोनों दक्षिण दिशा में चले गए हैं। उसके बाद सहदेव कहते हैं कि गुप्तचरों से हमें पता चला भैया कि आज द्रोणाचार्य जो आचार्य हैं जिनसे ये लोग शिक्षा ग्रहण किए थे, वह द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा लिए हुए हैं और चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह की रचना उस समय मात्र तीन ही व्यक्ति थे जो रचना और तोड़ना जानते थे, उसमें आचार्य द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और अर्जुन। अभी अर्जुन और श्री कृष्ण दक्षिण दिशा में युद्ध करने चले गए थे, इसलिए सिर्फ द्रोणाचार्य बचे, और द्रोणाचार्य खुद ही चक्रव्यूह की रचना किए हैं। इसे अब युधिष्ठिर के शिविर में तोड़ना कोई और नहीं जानता है, इसलिए अब यह चिंता का विषय बनता है। तब भीम कहते हैं इन लोगों को चिंतित देखते हुए कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं अपनी गदा से, गदा उठाते हुए कहते हैं कि मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा चक्रव्यूह की रचना को।
युधिष्ठिर समझाते हुए कहते हैं कि तुम जरूर वीर हो और युद्ध कुशल भी हो, परंतु चक्रव्यूह की रचना की विधि जो नहीं जानेगा वह चाहे जितना भी बड़ा वीर हो नहीं तोड़ सकता। तब तक प्रवेश करता है अभिमन्यु जो इनका बेटा है अर्जुन का। अर्जुन के बेटे ने कहा, अभिमन्यु ने, कि कोई बात नहीं तात, मैं तोड़ूंगा। तात चाचा, बड़े पापा अर्थात अपने पिता के बड़े भाई को छोटे भाइयों को कहा जाता है। अब अर्जुन तो है नहीं, अभिमन्यु से युधिष्ठिर जब पूछते हैं कि तुम कैसे तोड़ सकते हो, तुम जानते हो इस कठिन विद्या को, पहले तो वो सोचते हैं कि यह बाल्य अवस्था में हट कर रहा है, परंतु वह जब कहता है अभिमन्यु कि मैं जब अपने माँ के गर्भ में था तब कृष्ण मामा से मैंने चक्रव्यूह के को भेदने की बात सुनी थी और मुझे याद है उसमें 6 दरवाजे होते हैं और 6 को तोड़ना मैं जानता हूँ। तब भीम कहते हैं उनसे कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम 6 दरवाजों को तोड़ना जानते हो, परंतु क्या उससे निकलना भी जानते हो? और इस पर आगे अगले पार्ट में ये वीडियो बना हुआ है जो कि मिलेगा आपको। आशा करते हैं कि आपको पूरा पार्ट समझ में अच्छे से आया होगा और याद भी हो गया होगा लगभग। अतः अब अगले पार्ट में इसके आगे की गाथा कहानी महाभारत से लिया हुआ इन तथ्यों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।